मैं इस वर्डिक्ट का जो आया है मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी नज़र में ये जो है ना विक्ट्री जरूर है बीजेपी के लिए, मगर इस वर्डिक्ट से जरूर जो एलिनेशन जो बढ़ चुका है मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई जिस तरीके से बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है इतनी नफरत का जो माहौल पैदा किया गया है खासतौर से मुस्लिम अकलियत के खिलाफ, तो ना तो नौकरियों की बात हुई, ना रूरल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कोई गौर किया गया, और हद तो यह है कि अब एक टेरर एक्यूज भी कामयाब हुई, जिसको टेरर एक्यूज का केस चल रहा है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगी। तो यह है वर्डिक है, हम आवाम का वर्डिक है तो एक्सेप्ट करते हैं, और मैं वादा कर रहा हूँ हिंदुस्तान की आवाम से और हैदराबाद की आवाम को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी मरतबा इतनी बड़ी भारी मेजोरिटी से कामयाब किया। हम मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, और यकीनन बीजेपी को हम सवालात करेंगे सरकार से, उनको एक्सपोज करेंगे, और मुझे यहाँ पर जो पहली स्विस कनाल क्राइसिस का जब हुआ था तो उस वक्त एटली ने कहा था कि व्हाट अ टाइम टू फाइट बैक, तो ये वक्त है फाइट बैक करने का और इस मुल्क के उस कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने का, क्योंकि इलेक्शन तो होते रहेंगे और प्रधानमंत्री लोग बनेंगे एमपी बनेंगे चले जाएंगे, मगर इस मुल्क की जो खूबसूरती और ताकत है वो उसका कॉम्पोजिट कल्चर है, जो यकीनन बीजेपी की कामयाबी के बाद उस कॉम्पोजिट कल्चर को डाइवर्सिटी को यकीनन खतरा है, और हम उसको महफूज रखेंगे, उसके लिए मुकाबला करेंगे। यकीनन आप सही कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश चुनाव में नतीजा नहीं आया, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। खान मार्केट को खान मार्केट इसलिए रखा गया था क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे उनको बचाने वाले का नाम खान था। अब आपको इससे आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कर सकता तिवारी साहब। दूसरी बात यह है कि कितने मुसलमान एमपी जीते बीजेपी की तरफ से आप बता दीजिए ना, ये भी तो बता दीजिए। क्या ये बात सच नहीं है कि जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना है ना रहेगा। हमारे देश में हिंदू वोट बैंक है और रहेगा। उसी वोट बैंक को केटर करने के लिए गलत फहमियाँ और नफरत की फिजाओं को इजाफा किया गया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। मैं इस वर्डिक को मानता हूँ, मगर ये वर्डिक कैसे आया उसका मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सर, थर्ड पॉइंट की आप बहुत ही वकालत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे थे, लेकिन थर्ड पॉइंट तो क्लीन बोर्ड हो गया। नहीं, क्लीन बोर्ड नहीं हुआ है। देखिए कहाँ पर बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, जहां जहां रीजनल पार्टीज हैं, किसी हद तक तेलंगाना में टीआरएस ने उनके बढ़ते खत्मों को रोका, यकीनन उनको दो तीन जगह पर कामयाबी मिली, केरल में उनको कामयाबी नहीं मिली, पंजाब में नहीं मिली, पंजाब में सिख भाई है, तमिलनाडु में तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक की जो बात कर रहा था तो उसी वोट बैंक के नतीजे में बीजेपी को कामयाबी मिली। बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एक फ्रंट है और वो फ्रंट का नाम ये होगा कि हिंदुस्तान के संविधान को हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर को बचाना, वही फ्रंट काम करेगा। पहला कि यूपी में आपने कहा
का रीजनल पार्टी जहाँ जहाँ पर एक्टिव थे वहाँ बीजेपी को बढ़त नहीं मिली, लेकिन यूपी और बिहार में अच्छी खासी बढ़त बीजेपी को मिली। दूसरा सवाल, राहुल गांधी अमेठी हार गए, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद उन्होंने, अब भाई अब मैं इस पर मैं किसी के पार्टी के अंदरूनी मामला तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ जहाँ माने 180 सीट्स पर जहाँ पर 180 और जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हुआ वहाँ पर तो कांग्रेस 10 सीटें जीत पाई। राजस्थान पूरा 25 बीजेपी ले चले ली गई। मध्य प्रदेश में आप देखिए, गुजरात में देखिए, सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो ये तो इनको सोचना पड़ेगा। बीजेपी की चार क्या मानते हैं, जिस तरीके से बड़ी हार हुई है विपक्ष की, एकजुट रहा लड़ने के लिए काबिल था, तो आखिर कहाँ पर खामियां थी, कहाँ पर गलतियां हुई, आप क्या? अभी अभी ये बड़ा सब्जेक्टिव थियोरेटिकल आंसर देना पड़ेगा मुझे, बात में करेंगे, इसके लिए टाइम है। मगर जो वर्डिक आया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मगर इस वर्डिक के पीछे हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें हैं। सर सर बीजेपी मोदी There were 21 opposition leaders with a lot of issues like Rafael and other things. What do you think was the actual reason for Modi doing? Was it the Balakot strike or the influx of nationalism? What was Definitely the BJP was very successful in creating this fear about security of India. BJP had definitely created that narrative of nationalism. They have created this fear of Muslim minority. I mean, nowhere in the world a minority is a threat. But these are definitely issues wherein BJP really used it for their advantage. Sir, BJP ke sir, 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 ek puri siyasi jamaat thi jo EVM par sawal utha rahi thi. Aapka ek to ye sawal hai ki aapka is pe kya raaya hai jo EVM pe sawal utha rahe hain. Pramod saab, aap Pramod saab, ek pehla sawal. Maine kya EVM pe sawal utha? Aap bata dijiye kahin par. आप भी मुझसे सवाल करिए, मुझसे मैं जो कहा हूँ या नहीं कहा हूँ या कहकर मुकर गया उससे सवाल नहीं। ऐसे जो सवाल उठाए जा रहे हैं आप एक मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि वीवीपैट सिर्फ 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो बल्कि 100% ये मेरा मानना। ईवीएम की रिगिंग नहीं हुई है, हिंदू माइंड की रिगिंग हो चुकी है। आप महाराष्ट्र में, आपका पहला एमपी है, आपने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म किया था, आपका एक सांसद भी है आपके साथ एक और नहीं, औरंगाबाद में अगर आप जो कह रहे हो अभी डिक्लेयर हो चुका है तो ये तो सोचना पड़ेगा इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को जो एक मुसलमान को भी टिकट नहीं देते। इम्तियाज जलील की कामयाबी अगर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो तो पैगाम दे रही है कि मुसलमान को आप टिकट दे सकते हैं और जीत भी सकता है। अब इनको सोचना पड़ेगा कि जो हमको गाली देते वोट कटवा, एक तरफ बीजेपी के मानने वाले एंटी नेशनल या खान मार्केट ग्रुप, अब इनको सोचना पड़ेगा कि जीत सकते ना, टिकट देना पड़ेगा, टिकट देंगे जीतेंगे। सर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटा दिया और बकायदे उस पर टेक्स्ट किया गया है कि अब हम हटा रहे हैं लेकिन चौकीदार हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री और आने वाली सरकार को ये कहेंगे कि आपको वर्डिक्ट मिला है और हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि नौकरियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और हमारी जो जिम्मेदारी है आवाम की तरफ से उसको हम पूरी तरह निभाएंगे। हिंदुस्तान के संसद में जाकर और सरकार को एक्सपोज करेंगे। देखिए जमहूरियत में हमको जब कामयाबी मिली है हम हर किसी ये नहीं देखेंगे कि उनके पास 300, हम ये देखेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम जिम्मेदारी निभाएंगे और इस सरकार को चुपते हुए सवालात करेंगे। ये छुप नहीं सकते अपनी मेजोरिटी के पीछे, हमको संविधान को बचाना है और देश में जो अहम सवाल आते हैं उनको उठाएंगे। सर 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 इधर भी एक सवाल ले लीजिए सर, व्हाट इज एमएम एक्शन प्लान इन औरंगाबाद, किशनगंज एंड प्लेसेस वेयर इट हैज कॉर्पोरेटर्स ऑलरेडी, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन प्लान ऑफ एमआईएम? यू नो दिस यू नो गेटिंग 3 लाख वोट्स इन इन सीमा इन किशनगंज दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज इट गिव्स अस होप एंड एनकरेजमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड, वी विल नॉट कीप क्वाइट। यू सी
and now I will definitely concentrate more on UP. I have not contested elections in UP or in Maharashtra. Despite that, you know, this tag, this false allegation on me that I, because of me, BJP wins. Now it has been proven wrong. So I will take it more forward. I will go now to every part of India and strengthen my party. सर तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाबी हासिल करने और टीआरएस नाकाम रही रोकने में क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं नहीं नहीं, टीआरएस ने बीजेपी के बढ़ते फर्मों को रोका है और इंशाल्लाह ताला हम टीआरएस के साथ थे हैं और रहेंगे और हम तेलंगाना में इंशाल्लाह जो एक तेलंगाना का जो एक पुरमन माहौल है उसको हम और मजबूत करेंगे। यहाँ पर बीजेपी के बढ़ते फर्मों को हम रोकेंगे, कांग्रेस पार्टी को भी रोकेंगे और हमको पूरा एतमाद है कि केसीआर तेलंगाना को और तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, हम उनके साथ हैं। The country will know what needs to stand, but your question has to be answered by the Congress party, by the other regional party, not for a twinkle little star like. मोदी जी पर लगातार आरोप लगता रहा, चौकीदार चोर है। अभी पहले उन्होंने मैं हूँ चौकीदार का लगाया था अपने नाम के संग, अभी थोड़ी देर पहले चौकीदार का टाइटल हटा लिया है। क्या कारण आपको लग रहा है सर कि जनता ने भरोसा दिया इतना जो ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री दिख रही है, क्या कुछ कारण आपको दिखाई? देश भर में ट्रेवल किया आपने, हमारे प्रमोद तिवारी साहब जो एएनआई के जिम्मेदार है उनके पहले सवाल में मैंने उसका रीजन बता दिया। फिर हमारे तिवारी साहब ने खान का नाम लेकर एक सवाल किया, उसमें भी मैंने उसको आपको और समझा इंफेक्ट करा। सर ये जो अब मैंने समझा कि बार बार चौकीदार टाइटल है उसको चौकीदार टाइटल लगाया था अपने नाम के आगे, अभी उसको भी हटा दिया। अभी हम नया लगा लेंगे, कोई बात नहीं उनके लिए। नाम लगा लेना, ऐनक लगा कर तपस्या करना तो करते रहते हैं ना, कोई नई बात नहीं। फिर तो नया काम कर लेंगे, तनाटन करेंगे क्या? तिवारी साहब, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नेशनल टीवी पर लेकर आया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने मुसलमान जीते बीजेपी से, ये बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। अब फिर मुझे सवाल करिए भाई, अगर कोई नहीं जीत रहा है तो फिर आप किसको केटर कर रहे हैं? फिर आप बोलते सबका साथ सबका विकास, बताइए ना। फिर आपने तो जो माहौल पैदा किया है यही तो माहौल है। अच्छा, यूपी में जितने भी लोग जीते वो तो जीतने वाले कैंडिडेट थे, इंडिविजुअली उनका एक मुकाम इसलिए जीत गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी जमहूरियत मेजोरिटेरियन फॉर्म के ऊपर जा चुकी है, क्या ये हमारी देश के लिए और जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, हमारे फोर फादर्स ने कहा था कि मुल्क की डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, शराकत दारी की होगी, तो शराकत दारी कहाँ है? यही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ये तो सवाल सबके लिए है, इनको सोचना चाहिए। आपने कहा, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोस्त जगन को और बड़ी शानदार उनको कामयाबी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि जो बोझ आंध्र प्रदेश की आवाम उन पर उनके खन्नों पर रखी है वो उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। हमारा ताउन उनके साथ है, हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद वायस राजशेखर रेड्डी से भी अच्छा काम करेंगे आंध्र प्रदेश के गरीब आवाम के लिए और वो आंध्र प्रदेश को नई राह पर लेकर जाएंगे जो चंद्रबाबू नायडू नाकाम साबित। माई बेसिक क्वेश्चन इज दैट आई हैव नॉट कंटेस्टेड इन यूपी, आई ओनली कंटेस्टेड वन सीट इन बिहार। महाराष्ट्र भी पार्ट ऑफ वंचित बहुजन अघाड़ी अंडर बदन प्रकाश अम्बेडकर, आई वॉन्ट टू थैंक हिम ऑल्सो, बट फॉर हिम
I don't think so we would have been able to win the Aurangabad seat.